हमारे विधायक साहब हमारे दोनों ही जिलाध्यक्ष जी एवं मंच पर हमारे मार्गदर्शक विराजमान है। मैं आदरणीय सतीश जी पुनिया से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें और आप सभी प्रेस के बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। शुरू करें। नमस्कार मित्रों, उदयपुर की इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश की कार्यशाला में उपस्थित हुआ हूँ। सब जानते हैं कि एक सब के लिए और सब एक के लिए इस सहकार के मूल मंत्र के साथ भारत की परंपरा में जहां ग्राम स्वराज्य ग्राम स्वावलंबन जितना सार्थक है उतना ही सहकार भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारक है। पूरे विश्व में 30 लाख ऐसी सहकारी समितियां किसी न किसी माध्यम से काम करती हैं। उसमें लगभग 8.5 लाख समितियां हिंदुस्तान में काम करती हैं और इस लिहाज से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी पहल पर सहकारिता अब जन जन की पहुंच में आए, इसलिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा दिया। सहकारिता के 100 वर्ष को संबोधित करते हुए माननीय अमित शाह जी ने कहा कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में सहकारिता एक ऐसा मध्यम मार्ग है जो किसी आम आदमी के जीवन को बदल सकता है, सहूलियतें दे सकता है। सहकारिता में अभी तक अमूल का नाम एक बड़े ब्रांड नेम के रूप में लिया जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत एक साधारण तरीके से हुई। आज वो 53,000 करोड़ की बजट की समिति है, तो ये अपने आप में सहकारिता की ताकत को उजागर करती है। क्रिप्को, इफ्को ये ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में सहकारिता आंदोलन की मजबूती की परिचायक हैं। सहकारिता में राजनीतिक तौर पर हम लोग जो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भावना के साथ काम करते हैं, पंचायती राज और शहरी निकायों की तर्ज पर सहकारिता में भी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक दखल बढ़े, वैचारिक आधार बढ़े, इसके लिए संभाग, जिला और संघ मंडल इस नाते नीचे तक की इकाइयों को एक्टिवेट किया जाएगा। पार्टी के लोगों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। पिछले 3 दिनों से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं पंचायती राज, जिसकी हम लोगों ने जयपुर में वर्कशॉप की है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में कमी हुई है, सहूलियत में कमी हुई है, गांव का विकास ठप हुआ है और इसलिए एक सरकार के खिलाफ पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने और उसकी गरिमा को गिराने का काम जो सरकार ने किया राजस्थान की, उसके खिलाफ एक ब्लैक पेपर हम जारी करेंगे। साथ ही उनसे ये सुझाव भी लिए कि आने वाले समय में एक विजन डॉक्यूमेंट संकल्प पत्र बने ताकि हम 2023 और 23 के बाद किस तरीके से हम पंचायती राज संस्थाओं को सहूलियत के लिए काम करें। इसी तर्ज पर कल शहरी निकायों के बारे में भी चर्चा हुई, शहरों का विकास ठप हुआ, केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं में ठीक से लागू नहीं करना और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों के बीच में प्रतिशोध की राजनीति करना और नाजायज तरीके से उनके बोर्ड्स को, चेयरमैन्स को सस्पेंड करना, उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना, इसको लेकर भी एक ब्लैक पेपर और एक संकल्प पत्र पर चर्चा हुई। आज सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश भर के
प्रमुख कार्यकर्ताओं की कार्यशाला थी, इस पर व्यापक चर्चा हुई है और सहकारिता के क्षेत्र को किस तरीके से हम लोग मजबूत करें ये सुझाव हम केंद्र को और प्रदेश को भी दें। सहकारी संस्थाओं में पिछले दरवाजे से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बदनीयती से काम कर रही है और उसमें पिछले दरवाजे से काबिज होने की कोशिश कर रही है, इसके लिए हमने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी सक्रियता से इसमें जुटे। मैं 3 दिन के प्रवास पर उदयपुर संभाग में हूँ। कल से देश में जो एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि आज़ादी के इस अमृत काल में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक साधारण गांव की कच्चे घर से जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, पार्षद के रूप में अपना जीवन शुरू किया और वो राष्ट्रपति पद का सफर तय करेंगी, तो भारत की राजनीति में NDA की तरफ से और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पहल पर यह अभिनव फैसला है कि जब एक जनजाति की महिला को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति पद पर विराजने का अवसर मिलेगा। जनजाति समाज के लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी के अभिनंदन के लिए त्रिपुरा सुंदरी जी से लेकर बेणेश्वर धाम तक एक जनजाति गौरव यात्रा का आगाज किया है। मैं उसमें शिरकत करूंगा और द्रौपदी मुर्मू जी का पदभार ग्रहण समारोह में आदिवासी बहनों भाइयों के बीच में देखूंगा। मित्रों, इसी तर्ज पर राजस्थान के लिए भी गौरव है और हिंदुस्तान के किसानों के लिए भी। एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुए और कालांतर में एक सुप्रीम कोर्ट के लब्ध प्रतिष्ठित वकील बने, उच्च कोटि के संविधान वेता ऐसे श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का भी उपराष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार बनाया जाना ये राजस्थान के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है। हमें सौभाग्य मिला कि अब दोनों ही सदनों का संचालन राजस्थान के जन्मे जाए जनप्रतिनिधि करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भी पुरजोर तरीके से अभिनंदन किया है। आने वाले समय में एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान, क्योंकि पार्टी के संगठन की मजबूती का काम बूथ सशक्तिकरण के जरिए चल रहा है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान, जैसा हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश का उसका संविधान, उसका शासन और उसका ध्वज, ये उसका स्वाभिमान होता है, उसका सम्मान और मर्यादा होती है। इसलिए भारत का तिरंगा ये पूरे विश्व में आज साख बढ़ा रहा है, तो भारत में हर घर पर तिरंगा हो, ऐसे भारत के 20 करोड़ घरों पर भारतीय जनता पार्टी ने यह अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। 9 से 14 तक तिरंगे के लिए तिरंगे का वितरण और तिरंगे के सम्मान में प्रभात फेरी और तिरंगे को मान सम्मान के लिए उनके वितरण से लेकर घरों पर लगाने का उपक्रम चलेगा। और 15 अगस्त को एक ऐसा दृश्य होगा कि जब पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश बनेगा जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के घरों पर भारत का तिरंगा आन बान शान के साथ फहरेगा। इस हर घर तिरंगा अभियान को हमने इसकी एक व्यवस्थित समिति दिया कुमारी जी की अध्यक्षता में बनाई है और इसी तर्ज पर जिला और उसके बाद विधानसभा वार इसकी समितियों का गठन होकर और राजस्थान में हम इसको एक महत्वाकांक्षी अभियान को बड़े यशस्वी तरीके से हम लोग इसको सफल करेंगे। धन्यवाद। पुनिया साहब, जो यात्रा आप निकालने वाले हैं उसके क्या सियासी मायने हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री गहलोत जिस तरह कन्हैया हत्याकांड हुआ उदयपुर में, उसके बाद वो लगातार कह रहे हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि NIA की इतनी जल्दबाजी क्या थी उसको मामला देने की, और भी कई मामले घटित हो रहे हैं, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन कोई सियासी उपक्रम नहीं है। जनजाति समाज में गौरव पैदा करने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, एक संदेश सकारात्मक देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सियासत से परे होती हैं और इसलिए पार्टी ने इसको किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिहाज से नहीं, सब लोगों ने NDA क्योंकि बहुत सारे दलों से मिलकर बना है। दूसरा, अशोक गहलोत जी ने जो कहा, जैसा आपने कहा है कि NIA को कन्हैयालाल जी की
हत्या की जांच एनआईए को देना इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तो क्या अशोक गहलोत जी को किसी किस्म का डर है कि यदि एनआईए त्वरित गति से जांच करती है तो सरकार पर कोई आंच आएगी? मुझे लगता है कि राजस्थान में केवल कन्हैयालाल जी नहीं, अभी तत्काल घटनाक्रम में भरतपुर में जिस तरीके से ब्रज 84 के क्षेत्र में महंत विजयदास जी ने आत्मदाह किया, उसने इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि राजस्थान अब अपराधियों की शरणस्थली बन गया, राजस्थान में लोगों का कानून से भरोसा उठ गया और ऐसा लगता है कि राजस्थान कई माफियाओं के संरक्षण के साथ साथ खनन माफियाओं के भी उसके छत्र छाया में पल रहा है। और जब अवैध खनन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई साधु समाज ने, तो अंततः उसकी परिणति महंत विजयदास जी के आत्मदाह से हुई। ये अनेकों घटनाएं वानगी प्रस्तुत करती हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उसके लिए जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शांति सद्भाव प्राथमिकता नहीं है। अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी की फिक्र ज़्यादा करते हैं, राजस्थान की जनता की फिक्र कम करते हैं और इसलिए राजस्थान का दुर्भाग्य है यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान का गृह मंत्री है और इस कारण राजस्थान में जो हालात बने हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण। सर, ईडी का इस्तेमाल रेगुलर जो है वो केंद्र सरकार सोनिया और राहुल गांधी जी के खिलाफ, इस तरह का कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पाक साफ होती तो संस्थाओं का सम्मान करती, वो भूल जाते हैं बार बार सहकारी संघवाद की, लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो आपातकाल उनको याद दिलाना पड़ता है, 100 से भी ज़्यादा बार सरकारों को उन्होंने अपदस्थ किया वो याद दिलाना पड़ता है, किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, अब उनके पापों से पर्दा उठने लगा तो उनको लगता है कि ईडी या कोई दूसरी संस्थाएँ ज़्यादती करती, उनमें नैतिक ईमान होता तो इस तरीके से बवंडर नहीं करते दिल्ली की सड़कों पर, ईमानदारी से उपेश होते, अपनी बात रखते, लेकिन ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। केजरीवाल भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार और मोदी जी के बीच में, भी जो प्रकरण हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? अशोक गहलोत जी और केजरीवाल के पास मुझे लगता है बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं, इसलिए बयानबाजी करके ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। आपको लगता है सरकार इन संस्थाओं का दुरुपयोग करती है? जब भी विपक्ष में जो पार्टी होती है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, आरोप भी लगाती है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, क्या हकीकत क्या है, वाकई में होता है? देखिए, भारत का जो संविधान और व्यवस्था संस्थाओं से ही पुष्ट होती है और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर इन संस्थाओं का गठन हुआ है, उनका उपयोग भी होता है, पूछताछ भी करती हैं, वो चीज़ों को उजागर भी करती हैं, तो उसके लिए यदि वो नैतिक हैं और ईमानदार हैं तो उनको किसी तरीके के परेशानी की आवश्यकता ही नहीं है। बात यह है कि आप किस हद तक इन संस्थाओं का सम्मान करते हैं, केवल आरोप दुरुपयोग का आरोप लगाना आपको पाक साफ साबित नहीं कर पाएगा। अभी हाल ही में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी एफ डी के रेट डाउन हो गए, उनकी इनकम घट गई, उनको रेलवे में कंसेशन मिलता था वो भी खत्म कर दिया बुजुर्गों, जो बुजुर्गों पर राहत होने की जरूरत है, बुजुर्गों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हो गया है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उनका उनका लगातार मार पड़ रही है, इसके लिए आप मैं उसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व से बात करूंगा, बुजुर्गों की सहूलियत के लिए यदि उसमें हमारी तरफ से कोई सिफारिश की गुंजाइश रही तो निश्चित रूप से बात करूँगा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मिनिस्टर के पास में अरबों रुपए मिले हैं और उसकी एक अभिनेत्री जो मित्र है उसके घर पर भी अभी जो है वो कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? यूँ माना जाता था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी काम कर रही थी, अब एक के बाद एक तरीके से, क्योंकि बंगाल की अराजकता सबके समक्ष है और बंगाल में इस तरीके से आर्थिक अराजकता होगी ये तो सोचा नहीं था, और उसके एक्सपोजर के बाद में जब ये आरोप लगाए जाते हैं तो जब तिलमिलाट होती तो पता लगता है कि जाने अब कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी सरकारों के दौरान किस तरीके से गलत तरीके से अवैध धन अर्जित किया, और ईडी जब पहुँचती है उस पर सियासी आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि बंगाल के इस उदाहरण से तो स्पष्ट हो गया कि जो रीजनल पार्टी जिनको निरंकुश तरीके से सरकार चलाते हैं
वो जनता पर भी एक तरीके का अत्याचार भी करते हैं और इस तरीके से अवैध रूप से धन का उपार्जन भी करते हैं। बंगाल के इस एपिसोड से भी यही जाहिर होता है। अलवर में पूर्व ग्रंथी के बाल काट लिए गए, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अलवर मुझे लगता है कि राजस्थान में मेवात का वो क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक इस तरीके की आपराधिक घटनाएं होती हैं और हर घटना के पीछे, वो चाहे कम्युनल किस्म की घटना हो या अपराध की घटना हो, साइबर क्राइम हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, मेवात अब महफूज नहीं रहा। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की जब सरकार आती है तो वहाँ अपराधी शरण भी लेते हैं, वहाँ से अपराध भी करते हैं। तो ग्रंथी जी के बाल काटने की घटना उन अपराधियों की इस किस्म की कारिस्तानी की ओर इशारा करती है। पर प्रश्न ये है कि अपराध इसलिए होता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, अपराधी बेखौफ हो जाता है, उनको लगता है कि सरकार में अपराध करेंगे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपराधों की समीक्षा, कानून व्यवस्था को ठीक करने की तरफ उनका ध्यान है नहीं। और इसलिए राजस्थान अपराधियों की शरणस्थली भी है, राजस्थान अपराधियों की राजधानी भी है, राजस्थान में अपराधियों को विश्वास है कि यहाँ कुछ भी करेंगे बिगड़ेगा नहीं, आम जनता इससे त्रस्त जरूर है। मत विभाजन नहीं था उस समय, की घटना को हमारे बड़े नेताओं ने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग यदि मत विभाजन की मांग करते, विश्वास मत में मतदान होता है तब अनुपस्थिति होती है, तब पार्टी उस पर कोई संज्ञान लेती है। इसलिए हमने उसकी पूरी छानबीन कर ली, बातचीत कर ली, इसलिए उसमें अभी कहने के लिए कुछ है। उन्हें जी, गहलोत साहब लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है, ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का। ये अशोक गहलोत जी की किसी पीटी फिल्म का घिसा पिटा डायलॉग है, उनको याद दिलाना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने 100 से भी ज़्यादा बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके, बूटा सिंह इसके समय के गृह मंत्री थे, 100 से भी ज़्यादा बार चुनी हुई 9 वर्ष पर प्रतिबंध लगा सकती है, जो रामनवमी के जुलूस पर धारा 144 लगा सकती है, जो PFI को परमिशन दे सकती है, वो ऐसे काम कर सकती है।